मरवाही वनमंडल के जंगल में सफेद भालू चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 2 साल बाद तस्वीर सामने आने पर वन विभाग जगह व अन्य जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। मरवाही वनमंडल में वर्ष 2020 में यहां सफेद भालू नजर आया था। उस समय विभाग के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। इसके बाद से सफेद भालू का दिखना अचानक बंद हो गया। वन विभाग यह मानकर चल रहा था कि यह विलुप्त हो गया है। ग्रामीण भी धीरे धीरे इसे भूलने लगे थे। गुरुवार को वन मंडल के मरवाही रेंज अंतर्गत मांडाकोट गांव में सफेद भालू को देखा गया है। वह वयस्क लग रहा है। उसे मादा काले भालू के साथ मांडाकोट के पथरीले जंगल में घूमते देखा गया। किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना लिया। मालूम होता है कि मांडाकोट मरवाही वन मंडल का सघन भालू वन क्षेत्र है, जहाँ काफी संख्या में भालू की मौजूदगी दर्ज की जाती है। सफेद भालू को देखे जाने की सूचना लोगों ने मरवाही के वन परिक्षेत्र अधिकारी दरोगा मरावी को देनी चाहिए, पर अधिकांश अमला फील्ड से गायब था। हालांकि बाद में संपर्क कर इस बारे में बताया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 21 दिसंबर सन 2020 को मरवाही के अंडी गांव में एक कुएं में गिरकर सफेद भालू की मौत होने का मामला सामने आया था। इसकी सूचना भी 3 दिन पहले ग्रामीणों ने मरवाही को दी थी। उन्होंने इस सूचना की अनदेखी की, बाद में उसकी मौत हो गई। दोबारा भालू नजर आने से एक तो स्पष्ट हो गया है कि इस रंग का भालू अभी मरवाही के जंगल में है। वन मंडल में मांडाकोट गांव के पास भालू को ग्रामीणों ने देखा है। इसकी तस्वीर व वीडियो भी मिला है। वन अमले को इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। जिस जगह पर भालू को देखने की बात कही गई है, उसकी भी रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।